एक ऐसी फंगल डिजीज़ जिसने 80 के दशक में हिमाचल के बागवानों को और हिमाचल का जो सेब उद्योग है उसको बहुत परेशान किया था, और पिछले कई सालों से कश्मीर के बागवानों को परेशान किया हुआ है। इस बीमारी की वजह से जहां पतझड़ आता है इसके साथ साथ ही फ्रूट के ऊपर भी काले रंग के दाग आते हैं, और कश्मीर वाले बागवान अभी जो है इसको कंट्रोल कर पाने में नाकामयाब हो रहे हैं, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। डिपार्टमेंट भी अपना जोर लगा रहा है, बागवान भी जोर लगा रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि ये बीमारी अभी तक कंट्रोल नहीं हो पा रही। कंपनियां भी अपनी तरफ से खूब जोर लगा रही है। फंजिसाइड का कारोबार 10 करोड़ से 60 करोड़ पहुंच गया है कश्मीर का, लेकिन इस बीमारी को कंट्रोल कर पाना बड़ा नामुमकिन सा लग रहा है, और बागवान भाई इधर उधर छटपटा रहे हैं। जबकि मुझे लगता है इसको रोकने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसको बड़ी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्कैब के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम जीतू चौहान ऑर्चरिस्ट है और YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो डलते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच पाए। तो आज हम बात करने वाले हैं स्कैब की। स्कैब जो है एक फंगल डिजीज है, एक फफूंद जनित रोग है, और फफूंद फंगस इसको कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो होता है हवा का और सूरज की किरणों का। हमारे घरों में जब सामान खराब होता है फंगस की वजह से तो तुरंत घर के अंदर की जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, माताजी हैं या दादी हैं, वो उस सामान को उठा करके सीधा धूप लगाने के लिए लेकर के जाती हैं। तो इसका मतलब उनको फंगस को कंट्रोल करना आता है, उनको मालूम है कि फंगस को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, फंगस को कैसे ठीक किया जा सकता है वो भलीभांति जानते हैं। लेकिन जो बागवान है जिनके पास बगीचों की बागडोर है, और वो ज़्यादातर परसेंटेज जो है वो आदमियों की है, उसमें जेंट्स ज़्यादा है, तो उनको क्या प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, या फिर वो समझना नहीं चाहते हैं परिस्थितियों को, या फिर ऐसा है कि जब पैसे देंगे तभी उनको ऐसा लगता है कि इसका रिजल्ट आएगा। जी हाँ, मेरा सीधा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ फंजिसाइड के पीछे ही बार बार भागे रहना और हर किसी को हर कहीं यही पूछना कि स्कैब के लिए सबसे अच्छी दवाई कौन सी है। यार आपको बता दूं कि स्कैब को अगर कंट्रोल करना है तो स्कैब को कंट्रोल करने के लिए कोई स्पेसिफिक फंजिसाइड नहीं बना है जो ये कह सके कि स्कैब को ये 100% कंट्रोल करेगा। आपको कुछ और नहीं करना है, सिर्फ इस दवाई की स्प्रे करो और स्कैब आपका कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा कोई फंजिसाइड दुनिया में नहीं है। अगर आपको इस बीमारी को ठीक करना है तो आपको कुछ अलग अलग तरीके से इसको कंट्रोल करना है, आपको अलग अलग मेजर्स, अलग अलग प्रैक्टिसेस अपनानी पड़ेगी, अलग अलग जगह से आपको काउंटर करना पड़ेगा इस बीमारी को, तब आप इस बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे। और इसको कंट्रोल करना जो है सबसे ज़रूरी जो पार्ट है वो होता है पतझड़ के समय। जब पतझड़ होता है तो पत्तों में जो इन्फेक्शन था सीजन के दौरान, वो इन्फेक्शन पत्ते जब नीचे गिरते हैं तो पत्तों के ऊपर ही रहता है। जी हाँ, स्कैब के जो स्पोर्स हैं, जिसको बीज कह सकते हैं, जिसको हम अंडा कह सकते हैं अपनी भाषा, ताकि आम किसान, आम बागवान इसको समझ सके, तो ये जो स्पोर है, ये जो बीज है, ये जो अंडा है स्कैब का, ये पत्ते के साथ गिर करके नीचे जमीन पर आ जाता है, और अब सर्दियों में वहीं पर पत्ते के ऊपर पड़ा रहेगा और वहीं पर अगले साल के इन्फेक्शन की तैयारी भी करता है। और ये एक अंडा एक नहीं हजारों स्पोर्स जो है पैदा करता है, हजारों नए अंडे या नए बीज तैयार करता है। तो इसका जो नियंत्रण है वो भी इन गिरे हुए पत्तों से ही शुरू होना चाहिए। गिरे हुए पत्तों के ऊपर अगर आप केमिकल फार्मिंग करते हैं तो यूरिया का छिड़काव करना है।
5% यूरिया यानी 200 लीटर पानी में 10 किलोग्राम यूरिया मिला करके पत्तों के ऊपर उसका छिड़काव करना जब पत्ते नीचे जमीन पर गिरते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो फिर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का छिड़काव पत्तों के ऊपर कर सकते हैं। हाई डोज बनाएं, 5.5 से 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से डोज बनाएं और पत्तों के ऊपर उसका छिड़काव करें। अगर आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो खट्टी छाछ का प्रयोग करें, खट्टी छाछ का छिड़काव करें और खट्टी छाछ के छिड़काव के बाद पत्तों को कलेक्ट करके पॉलीथीन का बड़ा बैग लें, बड़ा बैग यानी जिसमें खूब सारे पत्ते आ सके, और उनको पॉलीथीन बैग के अंदर डाल करके ऊपर से एयर टाइट करें और उसको धूप वाली जगह पर रखें ताकि ये पत्ते उसी के अंदर डिकम्पोज हों और जो बीज हैं, जो स्पोर्स हैं स्कैब के, वो भी इसके अंदर मर जाए और उसको अच्छी तरह से डिकम्पोज होने दें। यहां अगर आपने पत्तों को सबसे पहले मैनेज कर लिया तो आप ये समझे कि आपने आधी लड़ाई जीत ली, आपके बगीचे में स्कैब के स्पोर्स अगले साल के लिए नहीं रहेंगे। और जब आपके बगीचे में स्पोर्स ही नहीं होंगे, अंडे नहीं होंगे, बीज नहीं होंगे, तो फिर आपके बगीचे में स्कैब के इन्फेक्शन के फैलने की संभावनाएं भी कम हो जाती है। अब कहां से आएगा स्कैब? अब स्कैब आने के चांसेस होंगे आस पड़ोस से। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, बगीचे में अब कम से कम स्कैब नहीं है, बगीचे में कम से कम कोई अंडा बीज कोई स्पोर आपके नहीं है, अब बाहर से कितना आएगा, और बाहर से जो स्पोर आएगा उसकी संख्या कम होगी और उसको हम आप आसानी से नियंत्रण कर सकेंगे। और अब आपको यही नहीं रुकना है, इसके बाद टाइम आता है विंटर प्रूनिंग का। जब विंटर प्रूनिंग होगी तो उस वक्त आपको दिमाग में जहन में ये रखना है कि मेरे बगीचे में फंगल डिजीजेस खूब सारी होती हैं, स्कैब होता है और इस स्कैब को कंट्रोल करते करते मेरी नानी याद आ जाती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए प्रूनिंग अगर मैं अच्छे से करता हूँ, विंटर प्रूनिंग अगर मैं अच्छे से करता हूँ और उसमें धूप का प्रवाह अंदर तक कैनोपी के अंदर एक एक टहनी तक मैं करवा पाता हूँ, तो फिर स्कैब को रोकने में ये मेरी मदद करेगा। अगर इस सोच के साथ आपने विंटर प्रूनिंग की या फिर अपनी लेबर से ऐसी प्रूनिंग आपने करवाई तो निश्चित तौर पर स्कैब का अगला जो 50% युद्ध आपने लीफ फॉल लीफ मैनेजमेंट के साथ जीत लिया, और आपने अगर प्रूनिंग अच्छी कर ली, आपने 20% युद्ध दोबारा से आपने जीत लिया, तो 70% आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने कर दिया। प्रूनिंग आपने अगर अच्छी कर ली तो आप स्कैब के साथ साथ अल्टरनेरिया और मार्सोनिना को भी नियंत्रित कर पाएंगे। प्रूनिंग इतना अहम रोल अदा करती है बीमारियों को, कीटों को और कलर प्रॉब्लम को दूर करने में और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ लाने में, सभी चीजों में अगर प्रूनिंग का इतना अहम रोल है तो फिर क्यों नहीं हम प्रूनिंग सही से करते हैं। इस बार जब प्रूनिंग होगी तब आपको प्रूनर बगीचे में लगाए खुद भाग गए कहीं और, ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको खुद प्रूनर्स के साथ साथ में रहना और प्रूनिंग का नॉलेज आपको खुद को होना चाहिए। अगर आपको प्रूनिंग में कोई शंका है, आपको प्रूनिंग नहीं आती है, सही प्रूनिंग आपको नहीं आती है, तो फिर आप हमारा जो कोर्स है प्रूनिंग का, वो कोर्स आप ले सकते हैं, या फिर आप A to Z ऑफ मॉडर्न एपल फार्मिंग ये कोर्स आप लें। आपका लाखों का नुकसान स्कैब की वजह से होता है, आपका लाखों का नुकसान अल्टरनेरिया मार्सोनिना की वजह से होता है, आपका लाखों का नुकसान प्रूनिंग सही नहीं होने की वजह से होता है, तो फिर क्यों नहीं आप सीखते हैं। हर कोई प्रोफेशनल जो अलग अलग फील्ड में है वो अपने प्रोफेशन को और तेज धार बनाने के लिए नई नई स्किल्स सीखता रहता है। केवल एक किसान और केवल बागवान ऐसे हैं जो अपनी स्किल्स को अपडेट नहीं करते हैं, जिनका ध्यान कहीं दूसरी चीजों में लगा रहता है। तो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बगीचे की भलाई के लिए A to Z ऑफ मॉडर्न एपल फार्मिंग ये कोर्स जरूर लें। खेतियारी आपको डाउनलोड करें और उसके ऊपर A to Z ऑफ मॉडर्न एपल फार्मिंग कोर्स लें। 4,500 से अधिक लोगों ने ये कोर्स लिया और उनकी लाइफ चेंज हो गई, उनके बगीचे में फुल ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वो इन बीमारियों से, इन समस्याओं से, इन प्रॉब्लम्स से बड़ी आसानी से पार पाते हैं। आप भी आसानी से इसको दूर कर सकते हैं। तो प्रूनिंग एक बार जब आपने ठीक कर दी, विंटर प्रूनिंग, अब बात आती है बड ब्रेकिंग के समय फॉलियर एप्लीकेशन की। तो जब बड ब्रेकिंग होने वाली होगी उस वक्त आपको जो है, ये लगभग सिल्वर टिप के स्टेज के समय की बात है, उस वक्त आपको बोडियक्स मिक्सचर का छिड़काव करना है।
अभी बोर्डो मिक्सचर का छिड़काव अगर आप करेंगे सिल्वर स्टेज पर, तो इसका यह फायदा होगा, अगर अभी तक कोई भी स्पोर्स कैब अल्टरनेरिया मार्सोनिना का पौधे के किसी भी कॉर्नर में कहीं भी स्किन के नीचे टूटी हुई टहनी, फटी हुई स्किन, या फिर कोई दाना ऊपर ममीफाई हुआ है, पिछले साल का फ्रूट ऊपर ही लटका हुआ है, आप उसको निकाल नहीं पाए हैं, उसमें स्पोर होगा, या फिर कहीं भी पौधे के किसी भी भाग में छुपा हुआ स्पोर है क्योंकि अनंगी आंखों से दिखता नहीं है, वो अगर है और आपने बोर्डो मिक्सचर का स्प्रे सिल्वर टिप पे किया, तो जो पड़े हुए स्पोर्स हैं उनको वो एकदम साफ कर देगा और अगले कम से कम 20 से 25 दिन तक आपके पौधे को एकदम साफ रखेगा। कहीं से भी अगर स्कैब का स्पोर आस पड़ोस से भी आता है तो उसको भी वो साफ कर देता है। तो बोर्डो मिक्सचर का स्प्रे करना नहीं भूलना है। और इसके बाद स्कैब का जो स्पोर है वो जमीन से लॉन्च होना शुरू होना और इसके साथ साथ आस पड़ोस से हवा के द्वारा आना भी चालू हो जाता है, और ये समय रहता है ग्रीन टिप से लेकर के पिंक बड के बीच का। इस समय पर अल्टरनेरिया और मार्सोनिना के स्पोर्स नहीं आते हैं, लेकिन स्कैब के स्पोर्स इस समय आते हैं, इसीलिए ग्रीन टिप पर एक फंजिसाइड का स्प्रे आपको जरूर करना चाहिए। यहां पर आप कॉपर का स्प्रे भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी कॉन्टेक्ट फंजिसाइड का छिड़काव आप करें। ग्रीन टिप के बाद आपको पिंक बड पर एक और छिड़काव कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके उसका छिड़काव करना है। याद रहे, आप जब भी छिड़काव करते हैं तो उस दवाई के अंदर जो केमिकल्स हैं, ब्रांड नेम नहीं, केमिकल्स जो है उन केमिकल को लिख लें कि उस पैकेट में कौन कौन से केमिकल थे। यह आपको याद होना चाहिए कि मैंने पिछली स्प्रे कौन से केमिकल की थी। जो इंग्रेडिएंट उस दवाई के अंदर है, उस पैकेट के अंदर है, उस बॉटल के अंदर है, वो आपने नोट करना है, क्योंकि उसको दोबारा छिड़काव उसका नहीं करना है। एक बार में जो केमिकल आपने स्प्रे किया, दूसरी बार उसका स्प्रे नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। रिपीट करने से क्या होगा कि जो स्कैब के स्पोर्स होंगे वो अगर बच गए किसी कारण पहली स्प्रे से, तो उनके अंदर रेजिस्टेंसी बिल्डअप होती है, उनको मालूम चल जाता है, उनको पता चल जाता है कि फलाने जो केमिकल आपने पहले डाला था वो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो स्कैब को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, और उस नुकसान से बचने की वो पूरी तैयारी करके आता है और अगला स्पोर उससे रेजिस्टेंस हो जाता है और आपने जो छिड़काव दोबारा किया केमिकल का उससे उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो इससे जो है आपकी स्प्रे भी जाया जाएगी और ज़्यादा रेसिस्टेंसी और ज़्यादा पावर उसके अंदर जो है डिफेंसिव पावर उसके अंदर उस स्कैब के स्पोर्स के अंदर जो है आ जाती है। इसलिए केमिकल को रिपीट नहीं करना है। हाँ, पूरे सीजन के दौरान सिर्फ एक बार आपको आप उस केमिकल को डाल सकते हैं, तो वो भी लेकिन तुरंत रिपीट नहीं करना, बल्कि सीजन के किसी दूसरे तीसरे पखवाड़े में आप डाल सकते हैं। यानी थोड़ा कम से कम दो तीन महीने का समय निकल गया, बीच में एक दो स्प्रे आपने और कर दी, तब आप कहीं एक बार और सीजन में दो बार किसी एक केमिकल का यूज कर सकते हैं, बट कंटिन्यूसली यूज नहीं करना है। ये आपने कर लिया, पिंक बर्ड तक आपने छिड़काव कर दिया, और फिर उसके बाद आपको पूरे सीजन के दौरान में ये ध्यान रखना है कि मौसम कैसा चल रहा है। बारिशें अगर हो रही है और पत्ते जो है 6 घंटे तक गीले रहे हैं, तो फिर आपको छिड़काव करना चाहिए। और यहां पर भी आप अगर जब छिड़काव करते हैं तो छिड़काव करने के बाद अगर मौसम सही रहता है तो 15 दिन का मिनिमम कवरेज जो है फंजिसाइड का मिलता है, और अगर बहुत अच्छा मौसम है तो आप जो है 20-22 दिन के बाद भी छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन अगर बीच में मौसम खराब हो गया, बारिशें आ गई, तो फिर आप उस टाइम को रिड्यूस करें, उस टाइम को आप कम करें, फिर 20-22 दिन नहीं, फिर 15 दिन में स्प्रे करना। और अगर बारिशें और ज़्यादा हो रही है, 2-3 स्पेल लगातार आ रहे हैं, तो फिर आप 10-12 दिन में सेकेंड छिड़काव करें। और ध्यान रहे, अगर आपने विंटर प्रूनिंग सही नहीं की है, कमी रही है विंटर प्रूनिंग में, ऑर्चर्ड सैनिटेशन सही नहीं है, और आपने अगर बोर्डो मिक्सचर उस वक्त सिल्वर टिप में नहीं किया है, तो फिर आपको जो है स्प्रे बार बार करनी पड़ेगी। हर हफ्ता 10 दिन में आपको फंजिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा, और उसका भी अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, और इसी कारण
की बदौलत, इसी कारण से आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद ये दवाई ठीक नहीं है, इस दवाई से तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। रिजल्ट मिलेगा भी नहीं अगर आपने फंगस को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण, फेवरेबल कंडीशन आपने बगीचे के अंदर बना करके रखी है, दवाई आप जितनी मर्जी डालो ठीक होना ही नहीं है। घर के अंदर आपने गंदगी फैला के रखी है और मक्खी मारने की दवाई आप बार बार डाल रहे हैं, और मक्खी मारने की दवाई डालने के बाद भी मक्खियां मर नहीं रही और दोबारा फटाफट आए जा रही है, तो यहाँ पर किसको दोष देना चाहिए? क्या दवाई को, उस केमिकल को, इंसेक्टिसाइड को दोष देना चाहिए, या फिर दोष आपका है कि आप अपने घर में शुद्ध स्वस्थ वातावरण नहीं बना पा रहे हैं? आप सफाई रखिए ना, आप नीचे शुगर, चीनी, गुड़, शक्कर इधर उधर गिरा रहे हैं, खाना, दाल, चावल इधर उधर गिरा रहे हैं, सफाई आप नहीं रख रहे हैं, तो फिर मक्खी तो आनी ही है। आप जितना मर्जी इंसेक्टिसाइड डाल दें, मक्खियां मरेंगी ज़रूर, लेकिन मरने की स्पीड कम और नई मक्खियां पैदा होने की और इधर उधर से नई मक्खियों के अट्रैक्ट होने की संभावनाएँ ज़्यादा, और उस वो जो पॉपुलेशन आने वाली और पैदा होने वाली है वो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और उनके मरने की जो स्पीड है वो कम है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगने लग जाता है कि यार ये दवाई तो काम ही नहीं करी। और यही हालत कश्मीर की है। मैं तो कश्मीर बहुत घुमा हूँ, हर जिला कश्मीर का मैंने देखा है, सेब वाला हर जिले में मैं गया हूँ, बगीचे मैंने वहाँ के देखे, अंधेरे बगीचे हैं, दिन में आदमी डर जाए बगीचे के अंदर जाने से, इतना अंधेरा बगीचों में है। और इतना अंधेरा अगर है तो फंगस तो अपने आप ही लगेगी, घरों में भी तो ऐसे ही होता है, आपने कोई फर्नीचर दीवार के साथ सटा करके लगाया है, आप अगर उसको 2 महीने तक नहीं देखेंगी तो उसके पीछे आपको फंगस दिखेगी, फर्नीचर में भी दिखेगी, वॉल पे भी दिखेगी, लेकिन जब आप उस फर्नीचर को हटा देते हैं, एरेशन बढ़ाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ फंगस अपने आप चल जाती है, और अगर तो धूप वहाँ पहुँच गई फिर तो क्या ही कहने। तो ये चीज़ें अगर आपने अपने बगीचे के अंदर ठीक कर ली, आपने कल्चरल प्रैक्टिसेस अगर ठीक कर ली, लीफ फॉल मैनेजमेंट आपने सही कर दिया, आपने विंटर प्रूनिंग सही कर दी, आपने समर प्रूनिंग सही समय पर करी है, और आपने समय रहते फंजीसाइड्स का छिड़काव किया है, तो यकीन मानिए आप जो 12 स्प्रे फंजीसाइड की करने के बाद आपको जो रिजल्ट नहीं मिलते हैं, वो रिजल्ट आपको 4 स्प्रे में मिल जाएंगे, यकीन कीजिए। लेकिन उसके लिए आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा अपने बगीचे का, आपको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा अपने बगीचे का, आपको किसी और के पास गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, आपको किसी और से पूछना नहीं पड़ेगा, आपके अपने अंदर वो नॉलेज होना चाहिए, और वो नॉलेज आपको यहाँ खेतियारी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलता है जहाँ हजारों लोग ये नॉलेज ले रहे हैं। याद रखिए कि दवाई के छिड़काव से चीज़ें ठीक नहीं होंगी, दवाई के छिड़काव के पहले की जो चीज़ें हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, वो आपको सही से अपनाने पड़ेंगे। अगर आपने गंदगी के बीच जाना छोड़ दिया है तो आपको जुकाम नहीं लगेगा, डॉक्टर आपको यही बोलता है कि आपको प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने हैं। सर्दी का मौसम है तो आपको खूब कपड़े पहनने हैं, छाती को आपने गर्म रखना है, कश्मीर में अगर है तो आप कंबल, वो क्या कहते हैं उसको, फेरन पहन करके आप जाते हैं, तो वो फेरन क्यों पहनते हैं आप, क्योंकि वो जो है बाहर की हवा को अंदर शरीर तक पहुंचने नहीं देता है, और उसके अंदर भी आप कांगड़ी रखते हो, कांगड़ी इसलिए रखते हो कि छाती आपकी गर्म रहे, और वो छाती आप गर्म इसलिए रख रहे हो ताकि आपको जुकाम ना लगे। तो आप प्रिवेंटिव मेजर्स अपने लिए अपना रहे हैं, बगीचे में भी आपको सेम चीज़ें अपनानी पड़ेगी। तो मेरा ये विश्वास है कि आपके बगीचे से स्कैब गायब होगी। दवाइयों में कोई चेंज नहीं है कि आपको कोई स्पेशल दवाई स्कैब के लिए, अल्टरनेरिया के लिए या मार्सोनिना के लिए मिले, आपको बाजार में जो दवाइयाँ मिलती हैं उन्हीं से ही काम चलाना पड़ेगा, उसी से ही काम होना है। बस ये ज़रूर है कि कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों का कॉम्बिनेशन का ही छिड़काव आपको करना चाहिए। मौसम भी आपको देखना है, ज़्यादा बारिशें हो रही हैं तो रिपीटेड स्प्रे आपको करनी पड़ेगी, और अगर साफ मौसम चल रहा है तो आप 15, 18 या 20 दिन में अगला छिड़काव आप कर सकते हैं, फिर आपको आप लंबा स्पैन दे सकते हैं। और जब भी आप फंजीसाइड का छिड़काव करते हैं और उसके बाद अगर बारिश आती है तो तुरंत स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, बारिश आने के बाद फिर कल दोबारा और स्प्रे करने लग जाते हैं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। जो छिड़काव आपने किया है वो आपको मिनिमम 5 से 6 दिन का कवरेज देती ही देती है। तो इसका मतलब अगर स्प्रे के बाद बारिश आई है तो अगला स्प्रे आपको अब कब करना पड़ेगा, 6-7 दिन के बाद आपको रिपीट करना है।
अब आपको लंबा कवरेज नहीं मिलेगा, आपको छोटा कवरेज मिलेगा। ये इन चीज़ों को आपने अगर ध्यान में लाया, इन चीज़ों को अगर आपने इम्प्लीमेंट किया, मुझे लगता है आपके बगीचे से स्कैब गायब हो जाएगी। आप स्कैब को कंट्रोल कर पाने में सक्षम होंगे और इसको कंट्रोल करने के लिए कोई बड़ी साइंस की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर ये सारी चीज़ें ठीक कर दी तो आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, स्कैब को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में वो भी सजेस्ट कर सकते हैं ताकि हम उसी टॉपिक पर अगला वीडियो बनाएं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। खेत्यारी ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर के खेत्यारी ऐप डाउनलोड करें। 14,000 से अधिक बागवानों ने खेत्यारी ऐप डाउनलोड की है और उसके ऊपर जो फ्री वीडियोस हैं उनसे सीख रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि हमें आगे बढ़ना है, प्रोफेशनली आगे बढ़ना है और अच्छा बागवानी के अंदर हमको करना है तो फिर ऐप के ऊपर जाकर के आप पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप सभी से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।